नमस्कार दर्शकों, मोबिलोग्राफी के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मोबिलो टॉक शो में आज हमारे साथ वो हस्ती हैं जिनका आना और खुशियों का आना एक साथ ही हुआ था। वो जब आई और फोटोग्राफी का जो लेवल हमारा चेंज हुआ, जो अलग व्यू पॉइंट और बहुत सुंदर अलग चीजें दिखने लगी, तो हमको तो बस मजा ही आ गया था। मजेदार ये था कि उनके आते बराबर जो उनका पहला फोटोग्राफ था वो पिक ऑफ द डे बना था और वो हस्ती आज हमारे बीच में है, नागपुर से सुवर्णा दमके जी। सुवर्णा जी, आपका मोबिलो टॉक शो के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच हमें मोबिलोग्राफी टॉक शो में इनवाइट करने के लिए। जी, तो जैसा कि मैंने बताया, सुवर्णा जी जो है वो मूलतः नागपुर से है और इस समय वहां पे लॉकडाउन है कोविड के कारण, तो वो अच्छे से खुल के हमसे बात कर पा रही हैं। बड़ा ही अच्छा ये समय है, हम इसका सदुपयोग करते हैं और जानते हैं सुवर्णा जी से थोड़े से उनके फोटोग्राफी बैकग्राउंड के बारे में। सुवर्णा जी, प्लीज हमको थोड़ा सा बताइए दर्शकों को कि आपका फोटोग्राफी का बैकग्राउंड क्या रहा, कैसे मोबाइल फोटोग्राफी की तरफ आना हुआ और फोटोग्राफी आज आपके जीवन में क्या मायने रखता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मोबिलोग्राफी के सभी मेंबर्स और व्यूवर्स को नमस्ते। बाय प्रोफेशन तो मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ और एक फोटोग्राफी का कीड़ा था, शुरू से था, बट मोबिलोग्राफी का प्लेटफॉर्म मिलने के बाद वो निखर के आया ऐसा कह सकते हैं। तो फोटोग्राफी का सिलसिला 2015 में मैंने हम जब वैकेशन में गए थे उत्तराखंड, वहाँ हमारी सिस्टर रहती है, तो वहां से शुरू हुआ। फोटो खींच लिए थे और मोबाइल में स्टोर थे और फिर अभी कुछ महीनों पहले सर ने हमें ग्रुप में इनवाइट किया, ज्वाइन हुए। फिर वहां पे हमने बाकी सभी लोगों के फोटोज देखे तो बड़ा आनंद हुआ और ऐसे लगा कि अरे हम भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फोटोज पोस्ट कर सकते हैं। तो बस वही से शुरू हुआ ऐसे कह सकते हैं और फिर धीरे धीरे फोटोज पोस्ट करना शुरू किया मैंने और काफी अच्छा लगा। मीन्स लोगों के फीडबैक मिलते गए, अप्रिशिएट करते गए, तो फिर तो कंटिन्यूएशन में अभी शुरू है पोस्ट करना। जी सुवर्णा जी, तो जैसे कि हमने दर्शकों को भी बताया कि आपका जो पहला फोटोग्राफ था वो पिक ऑफ द डे बना था, तो उस फोटोग्राफ के बारे में प्लीज थोड़ा सा कुछ बताइए। हाँ, वो था ड्रैगन फ्लाई का फोटो जो मैंने वही उत्तराखंड में लिया था। हमारे सिस्टर का गार्डन था सामने, तो वहां पे आते रहते थे बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, काफी फ्लावर्स थे, तो वही से शुरू हुआ और वही पे मैंने वो फोटो निकाला था। बट वो जो फोटो निकाला था तो उसके लिए मैंने मोबाइल जो यूज किया था वो नॉर्मल वाला ही था, जैसे अपना ये था मोटोजी सेकेंड जनरेशन, तो उसमें निकाला हुआ था। और फिर उसने कुछ भी एडिटिंग नहीं की थी, तब तो पता भी नहीं था हमें कि मीन्स एडिटिंग भी होती है, कैसे करते, कुछ भी नहीं पता था। तो बस ऐसे ही स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे सीखते गए। मोबिलोग्राफी के मेंबर्स है, एक भैया है दिग्विजय भैया, तो उनसे काफी कुछ सीखने को मिला है। वैसे तो सभी से सीखने के लिए मिला, बट स्पेशली उन्होंने सेशन लिया था, जैसे एडिट कैसे करना फोटोज को, उन्होंने कुछ एडिटिंग एप्स बताए थे, स्नैपशीट करके है एडिटिंग एप्स, तो फिर वो यूज अभी अभी कर रही हूँ मैं फोटोग्राफी के लिए। फिर जी, तो फोटोग्राफी में आपने फिर सीधे मोबाइल ही ट्राई किया, क्या डीएसएलआर भी ट्राई किया है?
जी नहीं, DSLR नहीं ट्राई किया अभी फिलहाल, तो मोबाइल से ही शुरू है। ग्रेट, और मोबाइल में आप बहुत सुंदर काम कर रही हैं। तो अब हमारे दर्शकों को एक जरूरी बात बताइए, इतने लगातार पिक्चर ऑफ द डे आपने हासिल किए हैं, इतना सुंदर अप्रोच आप रखती हैं फोटोग्राफी की तरफ, तो क्या हाँ होता है जब आप कुछ भी फोटो लेने जाती हैं, आपको कोई ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट दिखा और आपको ये एकदम से अटेंशन में आया कि आपको क्लिक करना है, तो वो जो अब आपका थॉट प्रोसेस है और हाउ यू अप्रोच टुवर्ड्स दैट सब्जेक्ट, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। मुझे अगर किसी चीज को क्लिक करना है तो दिमाग में तो पहले ये आता है कि किस तरह से इसको क्लिक किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा इसके डिटेल से फीचर से वो उभर कर आए। तो मैं डिफरेंट एंगल से फोटोज निकालती हूँ, कभी साइड से तो कभी फ्रंट से, टॉप से, सारी चीजें एक्सपेरिमेंट शुरू रहती है मेरी। तो मुझे जो फोटोग्राफी में मुझे जो फोटोग्राफी में अच्छा लगता है, जो मैं खींचती हूँ, तो उसमें मुझे डिटेलिंग देना अच्छा लगता है, उसके फीचर्स उभर कर आए। जैसे माइक्रो माइक्रो फोटोग्राफी है वो ज्यादातर प्रेफर करती हूँ मैं, क्लोजअप ऐसे। जी, तो आपका जो प्रोफेशन है इंटीरियर डिजाइनिंग का, ये किस तरीके से आपको एक बेहतर फोटोग्राफर होने में मदद करता है? इंटीरियर डिजाइनिंग और फोटोग्राफी में काफी सिमिलैरिटीज है। जैसे इंटीरियर डिजाइन के जो बेसिक एलिमेंट्स है, कलर, कंपोजिशन, कंसेप्ट है, थीम है, अलाइन है, प्रॉपर्टी है, स्केल है, लेवल है, ये सारी चीजें फोटोग्राफी में काम आती है। जैसे एक पिक्चर को मुझे क्लिक करना है तो किस एंगल से मुझे उसको क्लिक करना है वो मैं देखती हूँ, फिर उसका कलर कंपोजिशन कैसे करना है, फिर कई कई बार किसी थीम को लेके मैं फोटोग्राफी करती हूँ। तो लेवल, लो लेवल फोटोग्राफी होती है, तो हाई लेवल फोटोग्राफी होती है, तो ये सिमिलैरिटीज दोनों में भी है, तो इंटरेस्ट बढ़ते चले गया। ओके ओके, और अब बात होगी एडिटिंग की, कि अब जब आपने कोई फोटो खींच लिया है उसके बाद आप उसको किस हद तक प्रोसेस करती हैं, किस हद तक आप उसमें एडिटिंग करना पसंद करती हैं? जैसे कि मैंने बताया शुरू में, तो मुझे इसका कुछ भी नॉलेज नहीं था। एडिटिंग होती है फोटोग्राफी में, मैंने तो ऐसे ही रॉ फोटो ही डाल दिए थे और काफी पसंद किए गए। फिर धीरे धीरे एडिटिंग के बारे में पता चला, एडिटिंग एप्स जो है, तो बेसिकली मैं तो स्नैपसीड ही यूज करती हूँ, और वो भी रेयर, काफी जब लगता है कि नहीं। वैसे मुझे जो नेचुरल है, मैं कोशिश करती हूँ कि नेचुरल ही फोटो इतना बेटर लगे कि एडिटिंग की जरूरत ना पड़े, बट कई बार होता है कि एडिटिंग की जरूरत होती करना पड़ता है। जी, तो अब आप चूंकि आउटडोर बहुत कम कर पा रही हैं कोविड के कारण, तो ज्यादा आपको पसंद क्या है, इंडोर या आउटडोर फोटोग्राफी? वैसे मुझे सारी फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, जैसे फूड फोटोग्राफी। मैं यहाँ कहना चाहूंगी जो अरोरा जी है, उनकी फूड फोटोग्राफी मुझे काफी पसंद है। काफी मीन्स उनके जब पोस्ट आते हैं ना, तो ऐसे माउथ वाटरिंग जैसे फीलिंग होती है, तो मैं भी ट्राई करती रहती हूँ और आगे भी कोशिश करूंगी कि सारी फोटोग्राफी है जो डिफरेंस फोटोग्राफी है, डिफरेंट फोटोग्राफी है, मिनी फोटोग्राफी है, डार्क फोटोग्राफी है, मिनिएचर है, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, ऑब्जेक्ट फोटोग्राफी है, तो ये सारे मुझे करना है आगे चल के। फिलहाल जी, तो फिलहाल मोबिलोग्राफी अभी के तो मैं फिलहाल अभी तो मैं इंडोर फोटोग्राफी ही ज्यादा प्रेफर कर रही हूँ। जी,
कोविड की वजह से, बट कभी ऐसे मॉर्निंग में अगर बाहर निकलते भी है, कभी जाना होता है मॉर्निंग वॉक के लिए, तो मैंने एक दो पिक्स वैसे भी डाले हैं, पोस्ट किए हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए जब भी जाते हैं तो जी। जब भी मौका मिलता है मुझे, जब भी मौका मिलता है आउटसाइड, तो मैं वो नहीं छोड़ती। कभी कभी तो ऐसे होता है कि पापा के साथ कहीं बाहर निकले तो पापा एक मिनट रुको मुझे फोटो खींचना है, तो पापा का भी सपोर्ट मिलता है, फैमिली के सभी लोग सपोर्ट करते हैं, तो अच्छा लगता है। फिलहाल अभी तो इंडोर ही कर रही हूँ मैं। अभी जब मोबिलोग्राफी के फोटोज की और ग्रुप मेंबर्स के कमाल के फोटोज की बात आए, तो आपको अटेंशन में क्या क्या नाम आते हैं? वैसे तो मोबिलोग्राफी के जो फोटोग्राफर्स है सारे के सारे एस फोटोग्राफर है, बट स्पेशली जो जिनके फोटोज अट्रैक्ट करते हैं वो है अरोरा जी की फूड फोटोग्राफी, फिर अमित जी की फोटोग्राफी है आर्किटेक्चरल इंटीरियर हाई फोटोग्राफी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर दिग्विजय सिंह राठौर जी की फोटोग्राफी अच्छी लगती है, मनोज सिंह हाडा जी है, उनका जो डिफरेंट डिफरेंट कुछ चलता रहता है ना, तो जैसे शैडो फोटोग्राफी उनकी, वो काफी क्रिएटिव है, तो वो उनके फोटो में से झलकता है, शैडो फोटोग्राफी है उनकी, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी है, तो काफी अच्छी है, वो पसंद है। और संजीव कुमार जी की माइक्रो फोटोग्राफी है, वो पसंद है। डॉक्टर नवीन सोनी की जो ऑब्जेक्ट फोटोग्राफी है वो काफी अच्छी लगती है। अखिलेश जी की ट्रैवलिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस वो भी अच्छी है। और पीयूष जी है वो तो मल्टी टैलेंटेड है, फोटोग्राफी भी कर लेते हैं, गिटारिस्ट भी है, सिंगर भी है, और फिर काफी लोग है, रजनीश जी है, आशीष सिंह जी है, अमित जी है, और ओमकार जी है न्यूजीलैंड से। हाँ, तो काफी वो काफी रेयर फोटो पोस्ट करते हैं, बट तो मुझे अच्छे लगते हैं उनके फोटोज। और आशीष जी है कोस्टर से, तो वो एक, और चंद्रवाल जी है न्यूयॉर्क से, विष्णु जी है कैलिफोर्निया, तो मीन्स काफी कम पोस्ट करते हैं बट बहुत अच्छी फोटोग्राफी है इनकी। और वैसे तो सभी की फोटोग्राफी अच्छी है और दिनों दिन उसमें इम्प्रूवमेंट होते आ रहा है। रुधिर वाघमारे है, संजीव जी है, काफी छाए हैं इन दिनों में, तो अंकित पुरोहित है, उनकी भी अच्छी है, पुनीता जी है, इन्होंने तो मेलबर्न के हमें दर्शन करा दिए हैं काफी। प्रतिमा श्रीवास्तव जी है, नीरा सूद जी है जो सिडनी से, तो ये जो बाहर से भी पोस्ट करते हैं आउट ऑफ इंडिया, तो अच्छा लगता है, चलो फोटो के थ्रू ही हमें वो देखने को मिलता है, और इतनी बढ़िया बढ़िया फोटोग्राफी करते हैं। आविशा जी है, अमृता जी है, वीना खन्ना है, सुजाता दी है हमारी लंदन से, उनके फोटोग्राफ की भी मैं फैन हूँ, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स काफी अच्छे से उन्होंने इम्प्रूवमेंट भी कितना किया जल्दी जल्दी काफी, और हम अभी फिलहाल वो नहीं पोस्ट कर पा रहे हैं, शायद बिजी है तो उनको मिस कर रहे हैं। बरखा जी है, कल्पना जी है, डॉक्टर कर्नन की फोटोग्राफी मुझे अच्छी लगती है, और स्पेशली वो जो लाइंस लिखते हैं काफी बढ़िया है उनके लाइंस, तो डॉक्टर गायत्री है, भारती जी है, और अपनी नुपुर के जो एक्सपेरिमेंट है वो मुझे अच्छे लगते हैं, रुचि गांधी है, सुनीता पांडे जी है, तो सारे दिग्गज है,
काफी दिग्गज लोग हैं, मुझे सभी की फोटोग्राफी अच्छी लगती है। आपने तो खूब बढ़िया लिस्ट बना के रखी, बहुत मजा आया, बहुत मजा बिल्कुल आया। बिल्कुल, क्योंकि उनकी फोटोग्राफी ही इतनी अच्छी है कि कोई कोई है कि वो डेली नहीं पोस्ट करते हैं, रेयरली पोस्ट करते हैं, बट बिल्कुल सॉलिड होती है पोस्ट ऐसे। राइट राइट राइट। तो अभी ये जो हमारे प्रोग्राम का सबसे लास्ट सेक्शन है, जिसमें हम चाहते हैं कि आप कोई संदेश हमारे दर्शकों को दें, तो प्लीज कुछ बात हमारे दर्शकों के लिए कहिए। मैं कहना चाहूंगी सभी व्यूअर्स को कि अगर आप इंटरेस्टेड है मोबाइल से फोटो लेना, तो बिल्कुल मोबिलोग्राफी प्लेटफॉर्म आपके आपको वेलकम करता है, आप पोस्ट करिए। अगर आपको नहीं अच्छा लगता या आपके किसी परिचित जो है, तो उनको आप बताइए कि मोबिलोग्राफी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मोबाइल से फोटो लिए जाते हैं, पोस्ट होते हैं, और बताइए, आप भी बताइए और पोस्ट करते रहिए। ऐसे नहीं कि अरे मेरा पिक ऑफ द डे नहीं आया तो नहीं आया, आप उसने इम्प्रूव करिए। यहाँ सीखने के लिए बहुत है, और यहाँ सिखाते भी बहुत अच्छे से है, सभी हेल्प करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो बिंदास पोस्ट करिए, बिल्कुल वेलकम है, सभी को वेलकम है मोबिलोग्राफी में। जी जी जी। तो सुवर्णा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने समय निकाला और हमसे बातचीत की। मुझे लगता है बहुत जल्दी फिर से कोई मौका आएगा, हम इसी प्लेटफॉर्म पे फिर से मिलेंगे, तो प्लीज फिर से टाइम निकालिएगा। ओके, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू जी। तो दर्शकों, ये सुवर्णा दमके जी हैं, ये नागपुर से हैं, हमने इनसे छोटी सी प्यारी सी बातचीत की, और जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारे हमारे मेंबर्स हैं जो कि एक से बढ़ के एक पिक्चर्स डालते हैं, और मजेदार ये है कि ना फोटोग्राफी का इनका किसी का बैकग्राउंड नहीं था, बहुत कम लोग हैं जो फोटोग्राफी बैकग्राउंड से हैं, मगर फिर भी आज वो सब गजब के फोटोग्राफी कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, और हम सब एक दूसरे की फोटोग्राफी एंजॉय कर रहे हैं। तो आप भी प्लीज अपने कैमरे को उठाइए, मोबिलोग्राफी ग्रुप में आइए और पोस्ट करना शुरू कीजिए, खुल के कीजिए। हम सब एक जैसे ही हैं, हमने सबने ऐसे ही शुरुआत की थी, आप भी स्टार्ट लीजिए और बस धीमे धीमे जल्दी ही प्रगति आपकी भी हो जाएगी। ठीक है, तो मोबिलोग्राफी के साथ बने रहिए, फीडबैक देते रहिए, आपके फीडबैक के जरिए ही हम अपनी चीजों में सुधार कर रहे हैं। सो प्लीज हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, हैप्पी क्लिकिंग। थैंक यू, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग।